वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है क्लोरीन गैस, के क्लोरीन गैस से होने वाले क्या क्या हैजार्ड्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पे क्लोरीन किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। हम कैसे इससे प्रिवेंशंस ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि हम क्लोरीन के इस तरीके के एक्सपोजर में आने से बच सकें, ठीक है। तो ये पूरा टोटली क्या क्लोरीन के ऊपर पूरा टॉपिक है कि क्लोरीन किस तरीके से यूज़ करी जाती है, अगर हमारी बॉडी पर अगर क्लोरीन गिर जाता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यूजेस जो हैं वो उसकी बात करें तो 85% जो है मेडिसिंस में से यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो क्लोरीन को अपन एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 25% मेडिकल डिवाइसेस में भी इसे यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग ब्लड बैग्स में भी यूज़ किया जाता है, ट्यूबिंग हर्ट में भी यूज़ किया जाता है, एक्सरे फिल्म्स में भी यूज़ किया जाता है क्लोरीन का, ठीक है। मोर देन 90% वेस्टर्न यूरोप में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर को सेफ बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, जिससे कि वाटर बोर्न डिसीज़ जो रहती हैं, जो मतलब पानी से बनने वाली जो बीमारियां रहती हैं उनको किल करने के लिए 15 मिलियन पीपल्स जो हैं वो वाटर बोर्न डिसीज़ के द्वारा मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लोरीन का वहाँ यूज़ करते हैं वाटर को सेफ बनाने के लिए। तो देखिए, क्लोरीन जो है वो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी स्विमिंग पूल में जब भी स्विमिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं तो उसमें भी क्लोरीन मिक्स रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि क्लोरीन के एक्सपोज़र में अगर आप आ जाते हैं तो वो आपको हार्म भी कर सकता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में उसमें क्लोरीन होगा तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इफेक्टिंग क्लोरीन इफेक्टेड आप कैसे हो सकते हैं, इमीडिएट सिम्टम्स आपके क्या क्या हो सकते हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है। आपको अचानक से रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, आपको इरिटेशन होने लगेगी, ठीक है, आपके जैसे कि जैसे जल जाते हैं ना स्किन पे, इस तरीके के निशान बन जाएंगे, कफ होने लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको इनहेल कर लेते हैं ना तो ये आपके लंग्स को उसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें क्लोरीन में, जब भी आप इसके एक्सपोजर में आ जाते हैं तो, ठीक है। स्किन इंजरीज आपको देखने को मिलेंगी तुरंत ही, तो इस आपको क्या है इसके एक्सपोज़र से बचना है बिल्कुल ही, ठीक है। जहाँ भी इस तरीके का केमिकल यूज़ हो रहा है, क्लोरीन वगैरह यूज़ हो रहा है और ज़्यादा उसमें यूज़ हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो वैसे तो देखिए, ये माना जाता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, इसका जो क्लोरीन गैस है ये नॉर्मल है, पर ये 70 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इसका, तो इसका जो है विस्फोट हो सकता है, तब हो सकता है विस्फोट, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्लोरीन से, ठीक है। तो अगर आप इसके एक्सपोजर में आते हैं तो वही आँख नाक गले में जलन होने लगेगी, फेफड़ों में आपकी सूजन पैदा होने लगेगी, बेहोशी भी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर कंटिन्यूसली आप इसके एक्सपोजर में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही ये ग्रीनरी भी आपकी ख़राब कर सकती है, ठीक है, पेड़ पौधों को भी प्रभावित कर सकता है ये। तो इस तरीके से आपको बचना है, ठीक है। आप क्लोरीन कहीं भी यूज़ हो रहा है तो अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस यही हैं कि आप पहले बिल्कुल बी अवेयर रहें, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्लोरीन है, कहाँ आपको सेफ रखना है खुद को, ठीक है। तुरंत ही आप अगर इस तरीके का इनहेलेशन से बचना है तो आप मास्क लगा के रखें, अगर आपको स्किन इरिटेशन हो रही है तो आप तुरंत ही अपने जो भी इफ़ेक्टेड पार्ट है उसको फ्लश करें, आइस को वाटर के साथ उसे धो लें, ठीक है, खुद को बचाएं। और कोशिश करें आप रेगुलरली इसके कॉन्टेक्ट में ना आएँ, अगर आप आते हैं तो पीपीज़ वेयर करें, पीपीज़ वेयर करने से आप बहुत हद तक इसे इनहेल करने से बच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आप खुद को सेफ रख सकते हैं। क्लोरीन का यूज़ तो देखिए आपके जो भी वर्क प्लेस है जिसमें भी यूज़ हो रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, पर आप अपनी सेफ्टी कैसे मेंटेन करेंगे पीपीईस पहनने के बाद, अगर आप मास्क वेयर करेंगे तो वो आप इनहेल उसे नहीं कर पाएंगे।
अगर आपकी गलती से वो आँखों में चला जाता है तो ये आँखों के लिए भी इफेक्टिव है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सेफ्टी गॉगल्स आपको पहनने हैं, ठीक है। बॉडी के किसी भी पार्ट पे गिरता है तो ये आपकी बॉडी के उस पार्ट को जला सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो हजार्डियस मटेरियल रहते हैं ना, उनकी हैंडलिंग के बारे में भी आपको बताया गया है, आप देखिएगा इसी चैनल पे टॉपिक्स को। तो हैंडलिंग कैसे, जिस भी मटेरियल रहता है जैसे क्लोरीन है, आप इसकी MSDS दे रखी होगी, आपको किस तरीके से इसे हैंडल करना है, ठीक है। जो भी आपके मटेरियल जिसमें भी ये क्लोरीन यूज़ किया जा रहा है, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है उसके MSDS के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं आप कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करना है आप इसे इनहेल कम से कम करें, ठीक है, आपके किसी बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट ना करें। तो ये मैंने आज आपको क्लोरीन के बारे में बताया कि क्लोरीन क्या है, कैसी गैस होती है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और इसके एक्सपोजर में आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको सिम्टम्स देखने में मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।